नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और नई औषधि के बारे में जानकारी देंगे। इस औषधि का नाम है इंद्रजौ। ये दो प्रकार की होती है, एक काली इंद्रजौ, एक सफ़ेद इंद्रजौ। आज हम आपको इंद्रजौ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यह महाराष्ट्र में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका पौधा अधिक मात्रा में होता है महाराष्ट्र में। आयुर्वेद में इससे बहुत सारी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, बहुत सारे रोगों को ठीक करने के लिए। आज हम आपको इसकी पहले पहचान कराते हैं और फिर बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कौन कौन से रोगों में किया जाता है। दोस्तों, जैसे आप ये इंद्रजौ का पौधा देख रहे हैं, ये एक जंगली पौधा होता है। इसका पौधा 5 से 10 फुट ऊंचा होता है। इसके पत्ते बादाम के पत्ते की तरह लंबे होते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण में इन पत्तों का बहुत उपयोग किया जाता है। इसके फूलों की सब्जी बनाई जाती है। इसमें फलियाँ लगती हैं जो पतली और लंबी होती हैं। इन फलियों का भी साग बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है। फलियों के अंदर जौ की तरह जो बीज निकलता है, इसी को हम इंद्रजौ कहते हैं। सिरदर्द और साधारण प्रकृति वाले मनुष्यों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये नुकसान देता है। इसके दोषों को दूर करने के लिए इसमें धनिया मिलाया जाता है। इसकी तुलना हम जायफल से भी कर सकते हैं। इसके फूल कड़वे होते हैं। दोस्तों, हमने आपको इंद्रजौ के बारे में बताया है, इसकी पहचान आपको करा दी है। इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं आप। और किन किन रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये पूरी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। पहला उपाय उनके लिए है जिनको पीलिए की परेशानी है, काफ़ी लंबे समय से पीलिए से परेशान है। आप इसके लिए इंद्रजौ के बीजों का रस लीजिए 1/2 चम्मच की मात्रा में। दिन में इसका 3 बार सेवन करें, सुबह, दोपहर और शाम। कम से कम 3 दिन तक आप इसका सेवन करें, पीलिए का रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और अगर शरीर पर पीलिए की वजह से कोई दिक्कत होती है तो वह भी ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें काफ़ी लंबे से बुखार की परेशानी है, बुखार उतर नहीं पाता है। दवाइयाँ भी लेते हैं लेकिन ठीक हो जाता है लेकिन फिर चढ़ जाता है। आप इसके लिए इंद्रजौ के पेड़ की छाल लीजिए, गिलोय लीजिए, दोनों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और उसे रात को पानी में भिगो दीजिए। सुबह के समय उसे अच्छी तरह से कूट कर छान लीजिए। उस पानी को आप सुबह और शाम दिन में 2 बार सेवन करें। पुराने से पुराना बुखार ठीक हो जाता है और अन्य बुखार होते हैं वे भी ठीक हो जाते हैं। अगला उपाय उनके लिए जो हैजे से परेशान है। हैजा एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। आप इसके लिए इंद्रजौ के पेड़ की जड़ लीजिए और अरंड की जड़ लीजिए, दोनों को अच्छी तरह से छाछ में घिस लीजिए और थोड़ा सा उसमें हींग मिला लें। आप चुटकी भरी हींग मिला लें और इसका सेवन आप दिन में 2 बार करिए, सुबह को और शाम को। इससे किसी भी तरह की हैजे की परेशानी है तो वह ठीक हो जाती है। हैजे से संबंधित और कोई भी परेशानी होती है तो वह भी ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए जिनके पेट में ऐंठन बनी रहती है, आप इसके लिए इंद्रजौ के बीज लीजिए, अच्छी तरह से उन्हें गर्म कर लीजिए तवे पे। उन गर्म बीजों को पानी में डालिए और उस पानी को छानकर उसका सेवन करें आप। इससे पेट की समस्या जो बनी रहती है ऐंठन की, वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगला उपाय बच्चों के लिए है। बच्चों को अक्सर दस्त लग जाते हैं। आप इसके लिए इंद्रजौ के पेड़ की जड़ लीजिए, उसे छाछ में मट्ठे में अच्छी तरह से घिस लीजिए। घिसने के बाद उसमें थोड़ी सी हींग डाल दीजिए और सुबह और शाम बच्चे को पिलाइए। दिन में 3 बार पिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दस्त और जल्दी ठीक हो जाएंगे और पेट भी स्वस्थ बना रहता है। अगला उपाय उनके लिए जो पथरी से परेशान है, लंबे समय से पथरी बनी हुई है लेकिन निकल नहीं पा रही है, आप इसके लिए इंद्रजौ की छाल लीजिए, दही में अच्छी तरह से उसे पीस लीजिए और सुबह और शाम उसका सेवन करें। पथरी गलकर बाहर निकल जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिनके शरीर में किसी भी प्रकार से दर्द बना रहता है, आप इसके लिए इंद्रजौ का चूर्ण लीजिए और गर्म पानी के साथ सुबह और शाम दिन में इसका 2 बार सेवन करिए आप। इससे अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार से दर्द बना रहता है तो वह ठीक हो जाता है। अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें गैस की वजह से दर्द की समस्या बनी रहती है, पेट में हवा भर जाती है तो दर्द उठने लगता है, छाती में दर्द की समस्या बन जाती है, सिर में दर्द की समस्या बन जाती है, आप इसके लिए इंद्रजौ का काढ़ा बना लीजिए। उसमें सिका हुआ हींग होना चाहिए, भुना हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा हींग मिला लें आप और दिन में इसका 2 बार सेवन करिए आप। अगर गैस के कारण शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगला उपाय उनके लिए जिन्हें बुखार की भी समस्या है और बुखार में दस्त लग जाते हैं, यह भी परेशानी है, आप इसके लिए इंद्रजौ का काढ़ा बना लीजिए। उस काढ़े में शहद मिला लीजिए और 1-1 चम्मच की मात्रा में आप दिन में 3 बार लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम को। बुखार की समस्या भी ठीक हो जाती है। अगर बुखार की वजह से दस्त लगे हुए हैं तो वह भी ठीक हो जाते हैं। अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें दस्त की परेशानी रहती है, आप इसके लिए 3 ग्राम की मात्रा में इंद्रजौ का चूर्ण लीजिए, ठंडे पानी के साथ उसका सेवन करें आप दिन में 3 बार। अगर आपको किसी भी प्रकार से दस्त की समस्या है तो वह ठीक हो जाती है और पेट भी सही रहता है। अगला उपाय उनके लिए जिन्हें बवासीर से परेशानी है, जिनको बवासीर का रोग है, लंबे समय से भी जिनको परेशानी है, ये उनके लिए भी उपाय है। आप इसके लिए इंद्रजौ को पानी में अच्छी तरह से पीस लीजिए और बेर के बराबर की गोली बना लीजिए आप।
रात को सोते समय दो दो गोली ताजे पानी के साथ लीजिए। अगर आपको बवासीर किसी भी तरह की है तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए जो भोजन को अच्छी तरह से नहीं पचा पाते हैं, पेट में हमेशा खराबी सी बनी रहती है, कभी दस्त लग जाते हैं, कभी कब्ज हो जाती है, आप इसके लिए 2-2 ग्राम की मात्रा में इंद्रजौ का चूर्ण लीजिए। सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार सेवन करें पानी के साथ। अगर पेट में किसी भी तरह की परेशानी है तो वह ठीक हो जाती है और खाना भी सही ढंग से पचने लगता है। अगला उपाय उनके लिए जिनके पेट में अक्सर कीड़े बने रहते हैं, आप इसके लिए 1-1 ग्राम की मात्रा में इंद्रजौ का चूर्ण लीजिए। ताज़ा पानी के साथ दिन में 2 बार सेवन करिए। कीड़े कुछ ही दिन में मरकर बाहर निकल जाते हैं और पेट स्वस्थ हो जाता है। अगला उपाय उनके लिए जिन्हें चेचक संबंधित रोग हैं, जिनके शरीर पर निशान बन जाते हैं चेचक की वजह से, आप इसके लिए इंद्रजौ को चावल के मांड में अच्छी तरह से पीस लीजिए और उस लेप को शरीर पर लगाइए। शरीर पर जितने भी दाग धब्बे बन जाते हैं चेचक की वजह से, वे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, हमने आपको इंद्रजौ के बारे में जानकारी दी है। आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके माध्यम से आयुर्वेद को हर घर में पहुंचाना चाहते हैं, हर घर से रोगों को दूर करना चाहते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद शाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।